हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो लेसन ऑफ एक्सेल कोर्स। आई एम नीरज और इस वीडियो में हम एक्सेल कोर्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करते टाइम मैंने एक्सेल 2016 यूज किया है, जिसको इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर आप ऑफिस का कोई प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, कुछ नए फीचर्स 2016 में ऐड हुए हैं तो उनके बारे में जब बात होगी तो आई विल हाईलाइट देम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1 का फर्स्ट टॉपिक एक्सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, यहाँ टाइप करना है एक्सेल, एंटर प्रेस कर देना है। एक्सेल ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से कुछ टाइल्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको ट्यूटोरियल टूर है कि अगर आप उसमें कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एक्सेल के, जिसमें आप कुछ एडिटिंग करके आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन हमें अभी एक्सेल को लर्न करना है, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो एक्सेल को जब हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखेगी। इस पेज पर आपको कई सारे आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगुलर स्पेस देखने को मिल रहा है तो ये हमारा वर्क प्लेस होता है, जिसे हम एक्सेल के टर्म्स में वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट कहते हैं। जैसे हम नोटबुक में इंफॉर्मेशन को पेन से लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे हमारे नोटबुक में कई सारे पेजेस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक ही पेज देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करके हम जितने चाहें उतने पेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट में एक्सेल इन सीट्स को सीट नंबर देते हुए आगे बढ़ता है। अगर हम चाहें तो इन सीट्स के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना होगा और हम यहाँ पर इस शीट का नाम पेज 5 भी कर सकते हैं। इन सीट्स को हम लॉन्ग प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं, इसीलिए एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्मॉल रेक्टेंगल दिखने को मिल रहा है जिसके बॉर्डर्स बोल्ड हैं, इसको हम एक्सेल में सेल कहते हैं। एक्सेल में जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वो सेल में स्टोर होता जाता है। एक्सेल में इनकी संख्या 17 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। हर सेल एक यूनिक रो और कॉलम से बिलोंग करती है, तो इन दोनों से ही मिलकर सेल का एक एड्रेस बनता है जो नेम बॉक्स में हमें दिखाई देता है। रो की नेमिंग नंबर से होती है और कॉलम्स की नेमिंग अल्फ़ाबेट्स में होती है। अगर हम कंट्रोल राइट की प्रेस करके लास्ट कॉलम में जंप करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉलम नेम XFD देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है हम कॉलम नंबर 16384 पर आ गए हैं। एक्सेल में हम इससे ज़्यादा कॉलम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रोल डाउन की प्रेस करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेल में हम 10 बिलियन से भी ज़्यादा रोज ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल अप की दबा के हम वापस अपने प्लेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम रोज को नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। और सिमिलरली नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम कॉलम्स को नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ ऊपर हमें कुछ मेन्यू आइटम्स देखने को मिलते हैं जो कि टैब्स के फॉर्मेट में हैं। इनको रिबन भी कहा जाता है। इनका फर्स्ट यूज़ एक्सेल 2007 में हुआ था। अगर हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये जो व्यू ओपन होके आता है, इसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसमें आपको किनारे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि इसी शीट को किसने क्रिएट किया, उसका ऑथर कौन है और साथ में ये किस टाइम पर क्रिएट हुई थी। और शीट को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हम इसको पासवर्ड से भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ किनारे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे तो जिनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इंसर्ट से रिलेटेड कई सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको फर्दर इन वर्टिकल लाइन से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन ग्रुप का नाम यहाँ नीचे हमें देखने को मिलेगा और इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर हम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर को देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, तो इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बीच में देखेंगे तो ये एक्सेल वर्कबुक का नेम है, जो कि डिफ़ॉल्ट में एक्सेल ने बुक 1 किया है, जिसको हम सेव करते टाइम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल एस दबाना है
और अगर आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो तो आपको दिस पीसी में जाना है, फिर आपको यहाँ पे फोल्डर चूज़ करना है जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमें अपने फाइल का डिज़ायर्ड नेम लिखना है, तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल लिख लेता हूँ एक्सेल वीडियो वन। फिर हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, तो इस फाइल का नेम अब आप देखेंगे तो एक्सेल वीडियो वन हो चुका है और ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बटन है जो इस फाइल को क्लोज कर देगी, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन है। फिर हम देखेंगे तो ये मेन्यू के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इस मेन्यू बार को अगर हम हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी यूज़र है जिसने साइन इन किया है ऑफिस में उसका नाम यहाँ पे शो होगा, तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइन इन कर लीजिए, तो जिससे आप एक्सेल के क्लाउड फीचर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस फाइल को ऑनलाइन किसी से शेयर करना। फिर नीचे यहाँ हम कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो सेल है उसका स्टेटस यहाँ पे शो होता है रेडी है, इसका मतलब यहाँ पे हम डेटा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इंटर स्टेटस लिख के आता है, इसका मतलब हम यहाँ पे डेटा इंटर कर रहे हैं। तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको जूम पैन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 400 और मिनिमम आप 10% तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल के व्यूज़ दिए हुए हैं, बाई डिफ़ॉल्ट में ये नॉर्मल व्यूज़ में है। अगर मैं पेज लेआउट व्यू कर देता हूँ तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ब्रेक व्यू है। तो इससे आपको ये पता चलेगा अगर अपनी फाइल एक्सेल की फाइल को प्रिंट करते हैं तो आपका कितना एरिया कवर हो रहा है। तो ये थी एक्सेल की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने एक्सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। अगली वीडियो हम बात करने वाले हैं नेविगेशन इन एक्सेल। इस वीडियो लेसन से रिलेटेड मैंने एक क्विज डिज़ाइन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस क्विज को अटेम्प्ट करिए जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।